Procedure for wheel floating with use of wheel set trolley WAG9 loco. Necessary tools: 2 numbers hydraulic jack, wooden block, axle box or jack ke beech gap mein support ke liye steel plate, jack ke level ke liye wooden wedge loco ke movement ko rokne ke liye. Toolbox jisme pana, hammer, रैचेट इत्यादि होना चाहिए। सर्वप्रथम सभी जरूरी टूल्स को ब्रेकडाउन साइट पर लेकर जाएंगे। अब टूल्स की मदद से ब्रेक स्टेप असेंबली को खोलकर स्टैंड ब्रैकेट, ब्रेक ब्लॉक इत्यादि को निकाल देंगे। अब लिंक के गैप में पैकिंग लगा देंगे। अब स्टील लेवल प्लेट या वुडन ब्लॉक की सहायता से एक्सल बॉक्स पर दोनों साइड जैक लगाकर व्हील को उठाएंगे। अब दोनों तरफ इनर लॉन्गिट्यूड फ्रेम को कलर कोड के अनुसार लोगों के नीचे सेट करेंगे। अब दोनों तरफ स्टील ट्यूब को इनर लॉन्गिट्यूड फ्रेम में सेट करेंगे। अब ट्रॉली के चारों व्हील को कलर कोडिंग के हिसाब से स्टील ट्यूब में डालकर फ्रेम के साथ टैपर पिन के माध्यम से चारों तरफ होल को मैच करके अंदर की तरफ से लॉक कर देंगे। अब ट्रॉली में चारों सपोर्टिंग सोल्डर्स को बिठा देंगे। अब दोनों तरफ आउटर लॉन्गिट्यूडनल फ्रेम को ट्रॉली में फिट करेंगे। इसके पश्चात स्लीव को चारों व्हील में बिठाकर टेपर लॉकिंग पिन द्वारा आउटर लॉन्गिट्यूड फ्रेम में कस देंगे। अब जैक को रिलीज करके निकाल लेंगे। अब वुडन वेज निकालकर सावधानी पूर्वक नियमानुसार लोको का मूवमेंट करें।